नेम के स्पेलिंग भी याद करने हैं, बोला था ना। तो आप लोगों ने अपने नेम के स्पेलिंग याद किए हैं या नहीं किए वो भी मैं पूछूंगी और आपका नेम भी पूछूंगी। अभी हम अभी ऐसा करेंगे, हमने पेज नंबर 2 की एक्टिविटी भी की थी, पेज नंबर 3 मैंने आपको ऑप्शनल दिया था कि ये आपकी मर्जी है, इसको आप करें या ना करें, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपने किया वेल एंड गुड, नहीं किया कोई इशू नहीं है। आज हमने जो है पेज नंबर 5 करना है। सब बच्चे पेज नंबर 5 निकाल लें, सब बच्चे पेज नंबर 5 निकाल लें, शाबाश, टेक आउट पेज नंबर 5, गुड। और पेंसिल हाथ में ले लें, सब बच्चे पेंसिल ले लें, शाबाश साहिबजादा, शाबाश सदाने मुस्तफ़ा, वेल डन। अच्छा लिए, चले अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमने क्या राइट करना है। इन्होंने यहाँ पर क्या काम करने के लिए कहा है, इन्होंने यहाँ पर कहा है गेस हु वेयर दिस, ठीक है। आप गेस करें कि ये कौन पहनता है, ठीक है। ये आप, मैं जूम करती हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ये देखें। अच्छा ये है आपके पास गेस हु वेयर दिस, राइट जी फॉर गर्ल एंड बी फॉर बॉय। आपने बी और जी राइट करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बी और जी कैसे राइट करना है। बी हम, मैं आपको जब बोलूँ बी राइट करें तो आपने ब्लॉक में 1 बनाना है और हाफ में से ऐसे बना लें, ठीक है, इजी वाला बी बना लें। या आपको जैसे मैंने सिखाया तो हुआ है ना कि बी जिन बच्चों को आ गया तो वेल एंड गुड, के हमने बी कैसे राइट करना है, ठीक है। ये देखें ये बी है हमारे पास, ठीक है, आपने बी ऐसे राइट करना है। और हमारे पास जो दूसरा है वो है, इन्होंने बोला है जी राइट करें, तो जी हम कैसे राइट करेंगे, आपने 1 बना के ऐसे कर लेना है। आपको इजी तरीका बता देती हूँ कि आपने ऐसे बना लेना है ये जी। अगर आप उसको भी नहीं राइट कर पा रहे हैं तो ये और भी इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जी हमने कैसे राइट करना है। आपने सी बनाया, सी तो सबको आ गया था, ठीक है, सी बना के सी को ऊपर जाके बंद कर दिया, ठीक, डाउन सीधा 1 बना लेना है और थोड़ा सा उसको बिठा देना है जी को ऐसे, ठीक है, बहुत इजी आपको आ जाएगा। पहले सी बनाएं फिर 1 और फिर सिट, ठीक है। सुबह मोहसिन आपको शो क्यों नहीं हो रहा बेटे, मैं आपको बताने लगी हूँ आपने कौन सा कहाँ पर लिखना है, ठीक है। अच्छा जी अभी ये है कि राइट जी फॉर गर्ल एंड बी फॉर बॉय। आप सब अपनी बुक को देखें, आपके सामने सबसे पहले यहाँ जो है स्कार्फ सा बना हुआ है, जो उसने देखें स्कार्फ सा बना हुआ है, नज़र आ रहा है ना ये सबको, ये कौन पहनता है, सदाने मुस्तफ़ा, लुक एट योर बुक। सब बच्चे नीचे देखें, ये गर्ल्स पहनती हैं, ठीक है। आपने यहाँ राइट करना है जी, ठीक है, ये जी ऊपर लिखा भी हुआ है, देखें आपको इन्होंने बताया भी हुआ है कि जी कैसे राइट करना है। आपने इस ब्लॉक पे छोटा सा सी बनाया, ठीक, जैसे मैं लिख रही हूँ सदाने मुस्तफ़ा, राइट करें शाबाश, जी सी बनाया, ऊपर जाके सी को बंद कर दिया, सीधा 1 लेके आएंगे और थोड़ा सा ऐसे राउंड करेंगे, शाबाश, राइट करें मेरा बेटा, जी राइट करें। पहनता है बॉय, कौन पैंट पहनता है, बॉय, ठीक है। आपने बी राइट करना है, स्मॉल बी, लुक एट हियर, मेक अ स्ट्रेट 1, दरमियान से आपने राउंड होना है, ऐसे बी और ऐसे बी, यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप, राइट करें मेरा बेटा प्यारा सभी फुल ब्लॉक में, शाबाश, एक्सीलेंट, वेल डन, गुड, वेरी गुड हुज़ैफ़ा, शाबाश, ओके। अब देखें जहाँ स्कार्फ था उसके नीचे जैकेट बनी हुई है वायर की, ठीक है, जैकेट पहनी हुई है। आपने इसके सामने भी बी राइट करना है, यहाँ पर भी बी था हमारे पास और यहाँ पर भी हमने बी राइट किया है, शाबाश मेरा बेटा, बी राइट करें, ठीक है। बी राइट करने के बाद उसके सामने लेडीज सैंडल है, लड़कियों के सैंडल बने हुए हैं, तो ये कौन पहनता है, गर्ल्स, तो आपने यहाँ पर जी राइट करना है, मेक अ स्मॉल सी, क्लोज द सी, मेक अ स्ट्रेट 1, यहाँ से आपने सीधा 1 आना है और सिट, शाबाश मेरा बेटा, ओके। आफ्टर दैट इसके बाद देखें जैकेट के नीचे जो है गर्ल्स का फ्रॉक बना हुआ है,
ये कौन पहनता है? डेफिनेटली ये गर्ल का फ्रॉक है, तो ये गर्ल पहनती है. मेक अ सी, गो अप, देन डाउन, मेक सिट. शाबाश मेरा बेटा. यहाँ पर भी जी इब्राहिम, आपको क्या प्रॉब्लम है इब्राहिम? इब्राहिम आप अपना माइक पहले अनम्यूट करें ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि आपका इशू क्या है. इब्राहिम, इब्राहिम आप अपने माइक को अनम्यूट करो तो आपको मैं यहाँ से अनम्यूट करूँगी. बेटे आपने अपना माइक ही ऑन नहीं किया हुआ. शाबाश मेरा बेटा. वाई की शर्ट बनी हुई है तो हमने यहाँ पर क्या राइट करना है? बी. मेक वन, गो अप, राउंड, हरिया, मेक बी. शाबाश, बी राइट करें. वेल डन, शाबाश, एक्सीलेंट. अच्छा अब देखें गर्ल के फ्रॉक के नीचे जो है यहाँ पर हमारे पास वाई के शूज़ हैं. ठीक है, तो ये कौन पहनता है? वाई. ठीक है, आपने बी राइट करना है. मेक वन, ओके राउंड, ओके दिस इज बी. ठीक है, और लास्ट में देखें ये गर्ल की शर्ट बनी हुई है, आपने यहाँ जी राइट करना है. ठीक है, राइट जी. मेक सी, स्मॉल सी बनाए, गो अप देन डाउन, मेक अ स्ट्रेट वन देन सिट. शाबाश, हो गया सबका ये डन. तो शो करें मुझे अपना काम विद द हेल्प ऑफ द कलर बैंक. ठीक है, हमारे कलर बैंक पे जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है वहाँ से हमने एक्टिविटी करनी है. ठीक है, कलर द फ्रॉक रेड एंड कलर द शर्ट ब्लू, कलर द शूज ब्राउन, कलर द ट्राउज़र पिंक. ठीक है, आपने इसको देखकर इसको कलर करना है. ठीक है, ये आपकी शर्ट है पहले, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि शर्ट को आपने ब्लू कलर करना है. ये आपका होमवर्क है बच्चों. ठीक है, ये आपने ब्लू कलर करना है. इसमें यहाँ पर देख लें सामने, मम्मा से पूछकर आपने यहाँ पर राइट करें, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, फिर है कलर द फ्रॉक रेड, आपने इस फ्रॉक को रेड कलर करना है. फिर है कलर द ट्राउज़र पिंक, आपने इसको पिंक कलर करना है. कलर द शूज़ ब्राउन, आपने इसको ब्राउन कलर करना है. ये आपका होमवर्क है. और आप सब जब अपना ये होमवर्क डन कर लें, जब आप लोग अपना ये होमवर्क डन कर लें तो आपने मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है. मम्मा से कह दें मेरे नंबर पर, आप जब ये होमवर्क फिनिश कर लें तो आपकी मम्मा मुझे ये पिक्चर सेंड करें कि आपने होमवर्क डन कर लिया है. ठीक है, सब बच्चों ने जब होमवर्क फिनिश करना है तो मम्मा को कहना है कि मम्मा मेरी पिक्चर ये मैम को सेंड करें. ठीक है, अच्छा चले अभी क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास. अभी 10 मिनट्स है पूरे मेरी क्लास में. व्हाट इज योर फेवरेट ड्रेस, आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है? आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है? ये आपकी मर्जी है. आपने फ्रॉक बताना है, शर्ट बतानी है, शर्ट एंड ट्राउजर, फ्रॉक एंड पजामा, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जो भी है, शॉर्ट्स, जो आपको पसंद है आपने अपना वो वाला बताना है. ठीक है, जो आपका फेवरेट ड्रेस है. गर्ल्स बता दें फ्रॉक पजामा, और बॉयज़ बता दें शर्ट एंड पैंट. ठीक है, गर्ल्स क्या बताएंगी? फ्रॉक पजामा, जो इजी है, जो आपको पसंद है. ठीक है, और बॉयज़ बता दें शर्ट एंड पैंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, नेम एनी टू विंटर क्लोथ्स, आपने कोई भी दो क्लोथ्स जो है सर्दियों के बताने हैं. तो नंबर वन इज़ ग्लव्स एंड नंबर टू इज़ स्वेटर. ठीक है, ग्लव्स, स्वेटर, ठीक हो गया. कौन कौन से हैं? नेम एनी टू विंटर क्लोथ्स, ग्लव्स एंड स्वेटर. अभी मुझे बताएं आप,